गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 14 तारीख दिन रविवार केशवपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है आज प्याज की मंडी में, जो है टोटल कितना गाड़ी लगा है, किस किस जगह का इस समय प्याज आ रहा है यहाँ पे और क्या भाव खुला है, कल के मुकाबले जो है बाजार कैसा देखने को मिला, सेल फोन कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे जी। अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 31 पर, सर के पास जो है ये दोनों गाड़ी शायद एमपी का ही है। क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आप सभी को और अंदर भी लोड खुले पड़े हुए हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये तो कट्टे पे लगे हुए हैं, अंदर पूरा पलटा हुआ जाली देखो जी। एक तो ये है, इसका छिलका पत्ती जो है वीक लग रहा है दोस्तों। बाकी एक ये वाला ढेर है जी, इसका देख सकते हैं आप क्वालिटी, और एक इसका, तीनों में छिलके पत्ती का जो है फर्क है जी। तीनों लाख में हाँ जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, आज का माहौल कैसा, रविवार का दिन अगर देखा जाए तो एक तरह से डबल मंडी भी कहा जा सकता है ना जी। सर मार्केट की पहले आपको बता दो कितनी आमदनी है जी। आज मंडी के अंदर 14-15 गाड़ियां हैं। अच्छा। और बिक्री की अगर बात किया तो बिक्री आज बहुत ही सुस्ती दिखाई दे रही है। अच्छा। मंडी के अंदर में जिसमें 14-15 गाड़ी में 13 गाड़ी अपने एमपी है, बाकी 2-3 गाड़ी अपने पूरा दिखाई दे रही है। अच्छा। तो सर जी बिक्री कम होने का कारण क्या, बीच में मतलब अच्छा मतलब सेल पॉइंट मतलब उठा था, अब तो स्कूल वगैरह सारा कुछ खुल गया है ना जी, बिल्कुल, तो दोबारा मतलब सेल पॉइंट डाउन होने का कारण क्या मेन? सर अभी एक हफ्ते से जो मार्केट डाउन हुई है उसका हम सब यही बैठ के बातचीत कर रहे थे कि बिक्री एक हफ्ते से बहुत ही स्लो होती आ रही है। अच्छा। पिछले शुक्रवार को बिक्री इतनी अच्छी हुई थी, आज संडे हो गया है जी। रोज के दिन पर दिन बिक्री स्लो होती आ रही है जी। उसका कारण सर जो हमने दिखाया कि जो परचून का ग्राहक था ना जी, वो करीब करीब में 30-40% वो चला गया आम में। अच्छा। आम में उनको अच्छा 10 रुपए से लेकर 15-20 रुपए किलो का मार्जिन बनना, और इस टाइम आम का सीजन भी है जी। तो बिक्री का जो हमें मतलब जो स्लो दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा। और दूसरी बात देखी जाता सर, एक माल बहुत डैमेज आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्वालिटी में इतना दम है नहीं। अच्छा। ग्राहक ले जा रहे हैं माल, रोज की रोज शिकायतें कर रहे हैं भैया बढ़िया प्याज नहीं आ रहा है। अच्छा। तो दोनों तरफ से मतलब की दिखाई दे रहा है की हमें दोनों पॉइंट हमने देख रहे जी। और जो हमें सबसे बढ़िया बेटर लगा वो यही दिखाई दे रहा है, ग्राहक बहुत कट रहा है आम की, मैं थोड़ा ग्राहक जा रहा है। अच्छा। तो सर जी ये तो अभी फिलहाल एमपी से ही आ रहा है क्वालिटी का इशू, बट अभी राजस्थान और जो महाराष्ट्र एरिया है उधर तो मतलब ठीक ही है क्वालिटी फिलहाल। हाँ सर, मेरे पे कल राजस्थान की गाड़ी लगी थी, राजस्थान की अच्छी क्वालिटी थी, वो हाथ पाथ गाड़ी बिक गई थी जी। वो अपना 31 से लेकर 3200 रुपए गाड़ी बिकी थी, मीडियम प्याज था। अच्छा। और रही बात एमपी का देखा था, सब ये जितने मेरे पास आप माल देख रहे हो जी, गाड़ियां लगी हुई कोई भी क्वालिटी में दम नहीं, सब एवरेज माल दिखाई दे रही है। अच्छा। तो क्वालिटी में इतना बढ़िया नहीं आ रही है बिल्कुल भी एकदम जी। आपने सर जी 3-4 कट्टे खोले हैं, बट इसमें से यही वाला थोड़ा सा छिलका पत्ती दिख रहा है, ये और एक जो इधर है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर जी बात करें इस लाट का, तो ये किस भाव में खुला सर? सर ये 30 रुपए किलो के प्याज भी है बता रहे हैं, पर अभी अच्छा। थोड़ा बिक्री आज स्लो के कारण जी अभी बिके नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये वाला लाट सर, ये दोनों लाट 30 रुपए किलो के, वो 26 रुपए किलो का बता रहे हैं। अच्छा। इसमें क्या सर जी शिकायत क्या है सर? उसमें मतलब चोपड़ा जो होता है ना, चोपड़ा थोड़ा चोपड़े से अच्छी बैठ रहा है थोड़ा। अच्छा। मतलब अंदर से गलन का शिकायत है, थोड़ा की शिकायत बन गई है उसमें। और ये वाला लाट जो है सब ये 30 रुपए किलो के रेंज में बता। अच्छा। ये तीनों जो है 30 रुपए के रेंज में। अच्छा। ये वाला जो हल्का पड़ने के कारण। और सर जी इस समय जो एमपी से जो प्याज आ रहा है इसमें कट्टे में कितना दागी निकल रहा है सर? इस दागी की बात क्या था, किलो तो है ही, किलो से 2-4-5 किलो भी आता तो कोई बड़ी वाली बात नहीं। अच्छा। बाकी क्वालिटी बात क्या है, क्वालिटी अभी कोई इसमें बढ़िया प्याज नहीं आ रही है एमपी की बिल्कुल। अच्छा। मतलब जिस हिसाब से निकल रहा है डैमेज उसी हिसाब से भाव भी लग रहे हैं। अभी बीच में थोड़े माल ठीक आ रहे थे, फिर दोबारा से वही चालू हो गए। अच्छा। कि मालों की जो क्वालिटी है थोड़ी हल्की सी पड़ती दिखाई दे रही है। अच्छा। अभी सर जी एमपी के कौन कौन से एरिया से यहाँ पे आ रहे थे प्याज? सुजालपुर हो गया अपना, साजापुर हो गया अपना, बहुत सारे एरिया है। अच्छा। अपना इंदौर मंडी से भी माल बहुत आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ माल बहुत आ रहे हैं शिवपुरी, सबसे बढ़िया जो माल है एमपी की बात है वो शिवपुरी के माल सबसे बेस्ट पे चल रहे हैं, सबसे बेटर अभी शिवपुरी के माल जो है। अच्छा जी। उनका क्वालिटी में मतलब कोई अभी क्वालिटी में सर क्या दागी नहीं देखने को मिला, जो भी हमारे पास अभी तक गाड़ी आई थी ना तो हमने दागी शिकायत नहीं बन पा रही थी। अच्छा। तो सर जी ये क्या लग रहा है कितने दिन में सॉर्ट आउट होगा, अगर मतलब इसी तरह से रहा तो फिर ग्राहकी पर भी असर पड़ सकता है? देखिए सर मैं बताऊं आपको चैनल के माध्यम से, मुझे जो लग रहा था तेजी का असर तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो किसान भाइयों के दिमाग में टेंडेंस है कि प्याज 40 रुपए किलो बिके 50 रुपए किलो, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। हम तो यही कहे जो भी आपके पास मालवाड़ थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे थोड़ा बहुत मालों को हल्का कीजिए अपने पास। अच्छा। जैसे कल अपने पास राजस्थान की गाड़ी आई थी जी, राजस्थान के किसान ने बहुत स्टॉक करके रखा था, पर परसों राजस्थान ने बहुत कड़ी बारिश करी
तो उनका भी कहना है कि अब धीरे धीरे करके मालों को निकालने की इच्छुक में है वो भी। अच्छा, लेकिन सर जी जैसे कि मतलब हर एरिया का एक अपडेट होता है, तो मतलब लग रहा है कि जो माल तो काफी कट चुका है अभी, जैसे कि जो एमपी का जो अपडेट था पहले कि माल कम लगा है, और दूसरी बात माल डैमेज भी हुआ है। माल सर कम लगा सब मतलब कोई कोई एरिया की आ रहे थे, बाकी हमारे जो एरिया में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं माल हमारे एरिया में 40-50% माल है, माल की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, मतलब क्षेत्रफल बहुत बड़ा है एमपी का, कुछ एरिया में माल है नहीं, कुछ में कम बचे हैं, कुछ में डैमेज हुआ है, तो अभी तक पूरा आकलन नहीं लग पा रहा है इसका सर। अच्छा, और राजस्थान में भी सर जी, राजस्थान से भी काफी माल निकला है, तो अभी राजस्थान का भी शायद परसेंटेज उतना ना बचाओ। अब राजस्थान की सर कल बात हुई है, वो हमारी पार्टी करी 25-30% माल हमारे क्षेत्र में माल पड़ा हुआ है। अच्छा। माल लोगों के पास में माल की कोई कमी नहीं थी, माल जैसे बात हो रही है जी। माल अब बारिश पड़ने चालू हुई तो थोड़ा मालों में पानी प्याज में टप्पा पड़ा है, तो माल निकालना चालू हुआ है। अब 25-30% पार्टियां करी, सपोज करो 20-25 तो होगा होगा जी, तो अगर मान लेते हैं मोटा मोटी अगर 30% भी होगा ऑल ओवर, अगर मतलब सभी एरिया का मिला करके ये मतलब एक अंदाजा ले रहे हैं, है ना जी, तो अगर 30% भी हुआ तो मतलब सर जी ये दो अभी 3 महीना बचा हुआ है, 2.5-3 महीना बचा हुआ है, तो इसमें सर रेट में कुछ जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि नहीं, नहीं सर ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी एकदम, कि भाई जो आप मार्केट को बोल रहे हो कि जाते हुए मार्केट का, ऐसा बिल्कुल नहीं जी। बाकी ये है कि जो मार्केट है जैसे हसल लग रहा है जी, कि मेरी जो टेंडेंसी कह रही है, जो भी हमारी पीछे बातचीत होती है कि मार्केटों में पूरे ऑल इंडिया में सुस्ती का माहौल बना हुआ है। अच्छा, कोई भी तेजी का कोई भी स्टेशन आप जाके देख लीजिए, कहीं भी बिक्री की बहुत स्लो है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा करके मालों को निकालना चाहिए। अच्छा, मतलब निकालते रहो, क्या पता मतलब चांस मिल जाए, अच्छा क्वालिटी संभाल करके रखो, धीरे धीरे निकालो, अच्छे क्वालिटी थोड़ा निकाले, अब ये माल जो पड़े अब इनको रखने का क्या फायदा जी जी। ये माल डैमेज तो हो रहे जी, इनमें 2-3 रुपए रोज से गिनने वाली बात पड़ी, अगर ये मालों को नहीं निकालते जी जी। जैसे वो 26 रुपए पे आ गया है जी, माल वो रखा हुआ बहुत बढ़िया था, डैमेज की शिकायत पड़ गई तो 26 रुपए किलो बिक रहा है। और अगर यदि अच्छा माल भी हो तो वो अपना क्वांटिटी को देखते हुए और महीने को देखते हुए उसी हिसाब से परसेंटेज वाइज निकालते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, माल थोड़ा सा निकाले, एकदम स्टॉप करना भी बेकार है सर, और एक बार ऐसा हो जाता है कि जो एकदम रोक करके रखते हैं तो फिर अफरा तफरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जब देखते हैं कि जो तेजी भी तेजी को फिर दोबारा से दबा दिया जाता है, अगर लोग देखते हैं कि जो तेजी हो गया मार्केट में तो तेजी में ऐसा करते हैं कि फिर एकदम से अच्छे माल अच्छा क्वालिटी मार्केट में आना स्टार्ट होता है, और जब माल ज्यादा आता है तो फिर रेट ऑटोमेटिकली फिर वही देखने को मिल जाता है जी। जी, ये वाला प्याज में भी थोड़ा दाई की शिकायत बनने चालू हो रही है। अच्छा, इसको हमने आज या कल में नहीं बेचा ना जी, तो इसमें 1-2 रुपए और डाउन हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, मतलब अभी जो प्याज आ रहा है तुरंत बेचना जरूरी है, तुरंत बेचना बहुत जरूरी है एमपी के बिल्कुल एकदम मालों को, क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए। अच्छा, तो सर जी अभी बताया जाता है कि जो मतलब ये जुलाई जून का महीना जो होता है ऐसा ही चलता है, अगस्त के महीने में थोड़ा सा मतलब सेल पॉइंट भी अच्छा होता है। हाँ, तो अगस्त के महीने में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यदि सेल पॉइंट अच्छा होता है और क्वालिटी निकलता है तो कुछ चांस रहेगा सर? मुझे तो देखो प्लस का तरफ तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा कि हम सोचे कि अच्छा। आने वाले टाइम में हमें तेजी का माहौल अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा तेजी का क्या है क्या नहीं है जी, क्योंकि बिक्रियों को देखते हुए बिल्कुल एकदम हमारी भी अभी टेंडेंसी अनुमान जो है लगा नहीं पा रहे ढंग से पूरी तरह से। अच्छा अच्छा, है ना, तो इसलिए मतलब ये मतलब मेन बिक्री के कारण गड़बड़ा रहा है ढंग में। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको चैनल के माध्यम से बोल दूं तो कुछ बात गलत हो, तो इसलिए बिक्री को देख के अभी कुछ नहीं करना चाहता, यही है कि भाई अपने मालों को धीरे धीरे करके निकालने का निकाली मतलब जी जी, अपना क्वांटिटी को देखते हुए। हाँ, जैसे अपने मालों में क्षमता है, तुम्हारे माल रुकने वाले या नहीं रुकने वाले, तो मालों को थोड़ा सा क्या करना चाहिए जी जी। और सर जी अभी अगर बात करें पूना बेल्ट का, तो पूना बेल्ट यहाँ पे आ रहा है किस भाव में बिक रहा है सर? पूना के माल सर बिके 34-35 रुपए के माल बिक रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सुपर है, जो थोड़े 19 है वो 33 से लेकर 34 रुपए, और जो बढ़िया है वो 34-35 रुपए के बीच। 34-35? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और सर जी अभी गोल्टी गोल्टा जो आ रहा है उसका क्या भाव है? गोल्टा जो है वो अपना पूना का बात किया है तो 30 रुपए, पहले 32 बिक रहा था, 30 रुपए के करीब बिक, 1-2 रुपए थोड़ा सुस्ती है, 30 रुपए से लेकर 31 रुपए, और बाकी जो एमपी का है जो वो 25-26 रुपए के। अच्छा, और सर जी अभी बाजार तो स्टैंड रहेगा ना सर? अभी बाजार अभी स्टैंड रहेगा, यही चलता रहेगा अभी। अच्छा, ज्यादा मंदा भी नहीं दिखाई देगा, ज्यादा तेजी भी नहीं दिखाई देगी जी। लेकिन सर जी अभी किसान भाइयों को घबराने की कोई बात तो नहीं है ना सर? सर घबराने की नहीं, वही वाली बात है क्वालिटी के ऊपर, जैसे अपने आपके मालों की क्षमता कितनी है, रुक पा रहे हैं, बढ़िया माल है, थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा हल्का कीजिए मालों को। अच्छा, अगर नहीं वैसे तो गर्मी इतनी पड़ रही है बेहिसाब से ज्यादा, मेरी तो यही है कि धीरे धीरे करके अपने मालों को थोड़ा हल्का कीजिए। अच्छा, हाँ जी, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। केशवपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर 31, 97-18-35-05। धन्यवाद सर।